अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है, आप लोगों ने टाइटल भी पढ़ लिया होगा कि मैं आज की वीडियो आप लोगों के लिए के साथ किस बारे में बनाने लगी हूँ। मैं गई थी मिनीसो और मिनीसो से लेकर आई हूँ कुछ चीज़ें जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए बेहद ज़रूरी हैं, एक घरेलू औरतों के लिए। तो मैं लेकर आई हूँ वो कुछ चीज़ें, और मुझे लगा था कि ये चीज़ें आप लोगों से शेयर करनी चाहिए, क्योंकि जिन जिन लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है तो उनको पता होना चाहिए कि बहुत ही अच्छी चीज़ें लेकर आई हूँ मैं। हाँ, तो जनाब सबसे पहले मैं आप लोगों से शेयर करूँगी ये बॉक्सेस। ये देखें, ये बहुत ही अच्छी प्लास्टिक है, इसकी बहुत ही अच्छी जो है वो बॉक्सेस हैं, ठीक है। और 4 पीसीस हैं इसमें। ये देखें, ये हमारे पास बहुत ही अच्छी प्लास्टिक में जो है 4 पीसीस हैं इसके, और बहुत ही अच्छा साइज़ है इसका। ये देखें, बहुत ही ज़्यादा प्यारे बॉक्सेस हैं। प्लास्टिक बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। फ्रिज में आप लोग बचा हुआ सालन या कोई भी चीज़ आप बची हुई रखते हो तो वो प्लेट्स में पड़ी हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, या किसी भी चीज़ में, तो उसके लिए इस तरह के बॉक्सेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आप आराम से जो है वो इस तरह के बॉक्सेस लें। और क्योंकि मेरी फैमिली काफ़ी ज़्यादा छोटी है तो मुझे इतना ज़्यादा सालन भी नहीं बनाना पड़ता, तो मैं उतना ही बनाती हूँ जितना काम आ जाए। तो ये है कि इस तरह के बॉक्सेस बेहद ज़रूरी हैं हर घर के लिए, बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं इस तरह के बॉक्सेस। और आप इस तरह के बॉक्सेस मिनीसो से आराम से ले सकते हैं। 4 पीसेस हैं, ठीक है, और ये ऑलमोस्ट 500 to 600 में मुझे ये 4 पीसेस मिले हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छे, बहुत ही ज़्यादा अच्छी प्लास्टिक है, ठीक है। तो नेक्स्ट जनाब साहब, ये मैंने लिए हैं मिनी से, ठीक है। और तो ये भी जनाब हमारे पास हैं 4 पीसेस इसमें, ठीक है। ये भी सेम वैसे ही हैं। इसका मैंने साइज़ थोड़ा सा जो है वो स्मॉल लिया है। सबके प्राइजेस सेम थे, मगर इसका मैंने साइज़ इसलिए थोड़ा सा स्मॉल लिया है क्योंकि बच्चे जब लंच लेकर जाते हैं ना, तो लंच बॉक्स के अलावा उनके पास इस तरह से छोटे छोटे बॉक्सेस होने चाहिए, क्योंकि मैं अपने बच्चों को साथ फ्रूट्स भी कट करके देती हूँ उनके लंच में, ठीक है। तो इस तरह के जो बॉक्सेस होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं आपके लिए, ठीक है। क्योंकि बाकी जो आपने कोई भी लंच बनाया हुआ हो तो वो बाकी चीज़ों में मिक्स हो जाता है। तो इस तरह के छोटे छोटे बॉक्सेस जो है ना, ये देखें इसका साइज़ देखें, इस तरह के छोटे छोटे बॉक्सेस हैं। मैं इसमें बच्चों को ग्रेप्स भी डाल के दे सकती हूँ, एप्पल दे सकती हूँ, बनाना दे सकती हूँ कट करके। तो मैं इस तरह के बॉक्सेस जो हैं वो एयर टाइट बॉक्सेस हैं, और आराम से मैं इनमें कोई भी चीज़ डाल के उनको दे सकती हूँ। बादाम छील कर दे सकती हूँ साथ, कोई भी नट्स वगैरह कुछ भी मैं उनको साथ जो है वो दे सकती हूँ। तो ये लंच में, लंच के अंदर भी आराम से आप रख सकते हो, साथ में आप कोई भी सैंडविच वगैरह रख सकते हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहते हैं आपके लिए, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें मिनीसो पर पड़ी हुई हैं, आप चाहें तो जाके ज़रूर लें और आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा जी, और जनाब साहब मैंने लिए हैं ये वाले बॉक्सेस, ये भी मिनीसो से लिए हैं। आप लोग कहेंगे आज सारे इसने बॉक्सेस की दुकान खोली हुई है। ये बॉक्सेस बेहद ज़रूरी होते हैं हर घर में, हर घर के लिए बेहद ज़रूरी होते हैं इस तरह के बॉक्सेस, ठीक है। तो आप कोई भी बचा हुआ खाना कुछ भी आप फ्रिज में आराम से रख सकते हो इन बॉक्सेस के साथ, ठीक है। और बच्चों के लिए भी कुछ बनाकर आप छोटा छोटा रख सकते हो। ये 3 बॉक्सेस मेरे लिए लेना इसलिए ज़रूरी थे क्योंकि माशाल्लाह से मेरे 3 बच्चे हैं और सेपरेट सेपरेट बॉक्सेस की मुझे ज़्यादा ज़रूरत थी, ठीक है। तो ये बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस में वहाँ लगे हुए हैं, 500 to 600 की रेंज में हैं, मगर इसकी प्लास्टिक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, ना टूटने वाली प्लास्टिक है। तो आप लोग जाएँ और इस तरह की चीज़ें आप लोग ज़रूर परचेज करें, ठीक है। अच्छा जी, एक और चीज़ मैंने मिनीसो से ली है, ये है मेरे पास टूथब्रशेस, ठीक है। ये बॉक्स भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, और इसके अंदर मुझे मिले हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ब्रशेस मुझे इसके अंदर मिले हैं जनाब। ये देखें इस तरह के ब्रशेस मुझे 8 मिले हैं इसके साथ, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ब्रशेस हैं, इनकी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं, और इनकी कैप्स देख लें आप लोग, कैप्स भी हैं इनके साथ, ठीक है। आपको मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी, आपने जो कैप्स के बग़ैर वाले टूथब्रशेज़ होते हैं मुझे वो वैसे भी अच्छे नहीं लगते, मुझे ऐसे लगता है कि वो टूथब्रशेज़ साफ़ नहीं रहते ना, ठीक है। और बहुत ही अच्छा लॉक है इनका, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट से ब्रशेज़ हैं ये, ठीक है। आप ये वाले ब्रशेज़ वहाँ जाके लें, ठीक है। 8 ब्रशेज़ हैं और जस्ट 1000 रुपीज़ में हैं, ठीक है। और ये लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप जो ब्रशेज़ हैं वो इस तरह के जार में रखें और इस तरह से क्लोज करके आप वॉशरूम के अंदर रखें। ब्रशेज़ वगैरह के लिए बास्केट भी मैंने ली हुई है, मगर उसके लिए भी बच्चों से पानी वगैरह चला जाता है, छोटे बच्चे हैं ना, तो इस वजह से इस तरह के बॉक्सेस ले लें आप, ताकि आप आराम से इसमें ब्रशेज़ वगैरह डाल सकें और आपको इस तरह की प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, ठीक है। एक और मैंने फेस टॉल लिया अपने लिए मैं हमेशा बताती हूँ, आप लोग सेपरेट से फेस टॉल लेना ना भूलें। अपना फेस जो है वो आप लोगों ने
किसी सेपरेट ऑयल बनाया और उसके साथ आप लोग फेस अपना क्लीन किया करें, क्योंकि आपके चेहरे को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है बहुत ही अच्छी चीज़ों की। आपको मैं एक मज़े की बात बताती हूँ, ये देखो आप लोग मेरा मेरी एक्नी देख रहे हो, यहाँ पर मेरा पिम्पल निकला हुआ है। ये माशाल्लाह से मुझे सौगात कहाँ से मिली है, ये मुझे सौगात मिली है मरी से। मैं मरी गई थी और सारी सी बात है आपको पता है होटल्स के जितने भी अच्छे बिस्तर लेकिन वो साफ़ नहीं होते आपकी स्किन के लिए। घर में भी मेरी आदत है जो पिलोज़ कवर हैं वो तो स्पेशली डेटोल से ही वॉश करवाती हूँ, ठीक है, तो इसी वजह से ताकि एक्नी ना हो फेस पर। तो वहाँ पे आपको पता है जाहिर सी बात है वहाँ पे होटल में हम लोग गए हुए थे, तो यकीन करें मैं एक रात सोई हूँ, नेक्स्ट डे ना मुझे हल्की हल्की पेन थी यहाँ पे, मुझे एक्नी सी फील हो रही थी। तो अगले दिन मेरा जनाब सब इतना बड़ा सारा मुझे पिम्पल नज़र आया और बहुत ही ज़्यादा। तो खैर मेरे पास वैसे भी पहले 2 जो है वो टॉल्स हैं, एक ग्रीन कलर का और एक पिंक कलर का है, एक और मैं ये पीच कलर का अपने लिए टॉल लेकर आई हूँ। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा प्यारा, ठीक है, तो आप इस तरह के सेपरेट टॉल बना लें। तो जनाब एक और चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, मुझे इस तरह से ये कंटेनर मिला है, ये भी मुझे मिनीसो से मिला है, बहुत ही अच्छी प्लास्टिक है, आप लोग सुन सकते हो एयर टाइट जा रही है, ये आप लोगों को आवाज़ से भी पता चला होगा। यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये क्लोज होता है, ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी प्लास्टिक है। ये मैंने लिया है बच्चों के नट्स वगैरह रखने के लिए, आप लोग चाहे किसी भी तरह की चीज़ें आप लोग रखने के लिए आराम से ले सकते हो। ये भी मुझे ऑलमोस्ट 600 का मिला है, ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त। आप लोग इस तरह की चीज़ें लें और अपने घर पर रखें, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है इस तरह की चीज़ें, ख़ासतौर पर बच्चों के नट्स वगैरह जब आप लोग डालते हो तो इसमें ख़राब नहीं होते, इस तरह के कंटेनर्स में ना बच्चों के नट्स वगैरह ख़राब नहीं होते। इस तरह की चीज़ें एसेसरीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, तो आप लोग इस तरह की चीज़ें लें और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो बहुत 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 अच्छी लगी होगी। छोटी सी वीडियो बनाना चाहती होती हूँ ताकि आप लोगों का टाइम ज़्यादा ज़ाया ना हो, ठीक है, और आप लोग जाहिर सी बात है मैं भी ऐसा ही करती हूँ, जिसकी वीडियो छोटी होती है मैं कोशिश करती हूँ कि वो वीडियो जल्दी से देख के और अपना टाइम जो है वो इंसान बचाने की कोशिश करे, तो इसलिए मैं छोटी सी वीडियो बनाती हूँ ताकि आप लोगों का टाइम ज़्यादा ज़ाया ना हो, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, मिलती है अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, रब रखा।